महान समाज सेवी ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले के विचारों को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत है। उनके विचार समाज को एक सूत्र में बांधने में मदद करेंगे, ये मानना है जननायिका सावित्री माँ शिक्षा एवं समाज विकास संस्था का, जिन्होंने उनके विचारों को आत्मसात कर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। आज के दौर में युवाओं को जरूरत है कि उनका करियर सुरक्षित रहे, इसी परेशानी को हल करने का काम जन नायिका सावित्री माँ शिक्षा एवं समाज विकास संस्था ने किया, जिसके माध्यम से युवाओं को सरकारी नौकरियों की तैयारी और नए स्टार्टअप को लेकर जानकारी देने के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह जन नायिका माँ सावित्री बाई फूले शिक्षा समिति के माध्यम से प्रदेश स्तरीय करियर सेमिनार और स्टार्टअप प्रोग्राम है, जिसमें युवाओं को गवर्नमेंट जॉब और वो कैसे स्टार्टअप कर सके उसके लिए यह आयोजन हमारी संस्था के द्वारा प्रदेश लेवल पे किया जा रहा है। आयोजन में श्री पुरुषोत्तम सैनी जी, श्री विमल सैनी जी, अनिल सैनी जी, इन सब ने खछावा जी और इन लोगों ने हमने एक मीटिंग का आयोजन किया था। उज्जैन में ये किया था कि प्रदेश में माँ सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के जो विचार हैं उनको प्रदेश के युवाओं को आत्मसात करा के राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, यह हमारा एक प्रयास था छोटा सा। और इसीलिए एक छोटा सा शिक्षा का दीपक हम यहाँ जला रहे हैं। आइए शिक्षा का दीपक जलाइए, संस्कारों का दीपक जलाइए, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। कार्यक्रम के दौरान समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया गया, जिसको लेकर संस्था के सत्यनारायण कछावा ने जानकारी दी। मध्य प्रदेश राज्य स्त्री प्रतिभा सम्मान करियर सम्मान का आयोजन मालीसिनी समाज द्वारा किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के सभी तहसीलों से समाज की युवा जिनके 80% नंबर हैं वैसे सभी को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही करियर सेमिनार के माध्यम से जो हमारे समाज के युवा बच्चे हैं उनको सही मार्गदर्शन मिले और आगे नौकरी में या व्यवसाय के अंदर उनको किस दिशा में कार्य करना है, इसलिए ये पहला आयोजन हमारे पुरुषोत्तम जी सैनी समिति के जो अध्यक्ष हैं विमल जी, अपने सैनी जी, ये सभी टीम के माध्यम से एक आयोजन किया जा रहा है। सभी से आशा है कि इसका लाभ लें। कार्यक्रम में अलग अलग विधाओं से जुड़े जानकारों ने युवाओं को सार गर्भित टिप्स दिए, ताकि वो आने वाले वक्त में अपने करियर को लेकर सही रास्ता चुन सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।